देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रो ब्रिटेन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राहुल का दर्द हार के बाद न सीएम न प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, नहीं बदलूंगा फैसला। मुलायम सिंह की छोटी बहू का बसपा सुप्रीमो पर करारा तंज, कहा सम्मान नहीं पचा पाई मायावती। रेप केस में बिनॉय कोडियेरी को मुंबई कोर्ट से सोमवार तक मिली अग्रिम जमानत। पीएम मोदी ने कहा जब दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान का एक अहम स्थान। एयर इंडिया के अधिकारी बोले विमान में बम की खबर अफवाह। पीएम मोदी ने कहा इस चुनाव का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। वसंत बिहार तिहार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जांच भटकाने के लिए आरोपी साथ लाए थे आपत्तिजनक सामान। छात्राएं बताएंगी किन स्थानों पर होती है छेड़छाड़, पहले चरण में मंचलों को मिलेगा रेड कार्ड। दिल्ली एनसीआर यमुना नदी में जल्द चलेगी वाटर टैक्सी, केंद्र सरकार कर रही तैयार। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगे 1000 ई वाहन। ओयो को नोटिस जारी नहीं कर सकेंगे होटल मालिक एसोसिएशन। आपके बागी विधायक सहरावत की याचिका सुनने को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट, कल होगी सुनवाई। 3 अनुसूचित जाति बच्चों के धर्म परिवर्तन की कोशिश, मांस खिलाने का आरोप। अधिकारियों की लापरवाही से 20,000 लोगों पर जल संकट। मेडिकल छात्रा के साथ सारे राह छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से किया हमला। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नाली में पड़ी रोड़ी हटाने को कहा तो इंस्पेक्टर को जड़ा थप्पड़, कान का पर्दा फटा। सरकारी अस्पताल की आड़ में लाखों का लोन ले रही फर्जी डॉक्टर, धक्के खा रही बैंक की टीमें। कनॉट प्लेस को वाहन मुक्त करने के लिए बैठक टली, वाहन बंदी के दिन खुल सकते हैं दो रास्ते। हापुड़ के कार्तिक त्यागी का इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन, त्रिकोणीय सीरीज में दिखाएंगे दम। उद्यमियों को नहीं देनी होगी वाइड कैटेगरी फीस, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी को दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर मेट्रो ब्रिटेन में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।